बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इस शो विद मी मतीरा। जिस तरह आप लोगों को पता है हमारा शो आ गया है, इसका मतलब आप लोग का वीकेंड खत्म होने वाला है, क्योंकि संडे के बाद मंडे और मंडे जब होता है तो डंडे शुरू हो जाते हैं। ऑफकोर्स हर इंसान को जब मंडे शुरू होता है ना, हर इंसान इंतज़ार करता है फ्राइडे की रात कब होगी। वो फ्राइडे की रात होती है, फिर सैटरडे संडे इतनी जल्दी गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। बट खैर, आज हमारा शो भी इतनी ही जल्दी गुजरेगा, क्योंकि जो हमारे मेहमान भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, हद से ज़्यादा ही छोटे हैं, इतने छोटे हमें उनको ढूंढना पड़ेगा किधर गए। बट एनीवेज, वी हैव द वन एंड ओनली सारा लिडिया एंड अली शेख। वू, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बैठे बैठे हैं जी। हाँ, आर यू गाइस एक्साइटेड? अ लिटिल नर्वस। व्हाई आर यू नर्वस? वी नो हाउ पीपल गेट रोस्टेड एंड स्टफ अ लॉट, बट ऐसी कोई बात नहीं है। आप कितने साल की हो? आई एम 21। थैंक गॉड, आई थॉट शी इज आल्सो आप लोग एक दूसरे को सात साल से जानते हैं जी। कितना अच्छा जानते हैं? बहुत, मतलब जितना मुझे ये जानती है और कोई नहीं जानता, और मैं जितना मुझे ये जानती है। माँ से ज्यादा नहीं, लाइक नहीं, बस बताए लाइक कितना ज्यादा तुम लोग की एक दोस्ती है। लाइक हमने एक पूरा साल, व्हेन आई टुक अ गैप ईयर फॉर माय स्टडीज, ओके, वो पूरा साल जब मैंने डांसिंग में थी, वी बोथ आर प्रोफेशनल डांसर्स। वाओ, यस। सो व्हाइल वी वर डूइंग ऑल ऑफ दैट, वी वर ट्रैवलिंग अलोंग साइड, सो ऑल ऑफ दैट बॉन्ड आई थिंक दैट वी शेयर इज अ लिटिल डिफरेंट। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी ट्रैवल करते हैं ना, वो बोलते हैं तुम मेरी दुनिया हो, और उसके इर्द गिर्द चले जाते हैं, इधर उधर बोलते मैं दुनिया घूम कर आया हूँ। तो वो वाले ट्रैवलिंग नहीं था ना, जहाज वाला ही था ना, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, जो फ्लाइट अटेंडेंट था, बिल्कुल बिल्कुल। खैर, आपने सर पकड़ा हुआ है, भारी हो रहा है, मैं थोड़ा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं आपके सामने बात कैसे करूँ। जबान और मुंह से बात होती है, बिल्कुल मुंह से ही तो कुछ नहीं निकल रहा। चलो, कॉन्फिडेंस, आप मार्शली यूर डांसर, तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस बहुत ही आला होना चाहिए। जी जी, क्या हो गया? हो जाएगा इंशाल्लाह। कब होगा? जब तो खत्म होगा? अभी थोड़ी देर में। ये वो वाले, ये तो कभी कभी ऐसा होता है, प्रेशर, लड़कों पर प्रेशर बहुत होता है परफॉर्मेंस का, लेकिन जब वक्त चला जाता है तब वो परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं। खूबसूरत होती है, वो कुछ भी कर ले ना, बख्श देते लोग। लड़कों को मैंने देखा है, स्पेशली द बैकअप एंड द हीरोज, दे हैव टू बी सुपर परफेक्ट। हीरोइन कोई भी भंग कर लेगी, नॉट एन इश्यू, दिल से बहुत प्यारी लग रही थी। लड़के ने एक स्टेप मिस कर दिया ना, इन्होंने मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया, राइट और रॉन्ग? सही बात है, ऐसे ही। हाँ, यू सी, पता नहीं तुम कौन सी। I have a different opinion on this. चली गई। No, I have a little different opinion on this. क्या है? Because I've been in media for a long time while dancing. Okay. और बचपन से एक चीज है, it's a little controversial topic, लेकिन it's about your color, your skin tone. इससे ज़्यादा कुछ controversial नहीं है। चले। It's about your skin tone. Okay. And अग्रीड, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, कुछ भी चल जाता है, लेकिन ये हकीकत बात नहीं है, क्योंकि जहाँ तक आई हैव सीन, माई स्किन टोन हैज ऑलवेज बिन समथिंग दैट आई एम कॉन्फिडेंट फॉर, आई एम प्राउड ऑफ, बट फॉर अदर्स इट्स समथिंग के क्यों, वाई आर यू अ डस्की टोन, वाई आर यू नॉट फेयर, तो उसकी वजह से पीपल कीप पुशिंग मी बैक, एंड इट्स हैपेंड सो मेनी टाइम्स दैट आई लिटरली हैव लॉस्ट काउंट ऑफ इट। Really? Yeah. You're talking to a very dusky woman right now. And you're beautiful, so, mashallah. So, what I think, on. No, it's not, it's, ye hum, I believe, of course, skin tone bhi ek humne bana liya hai. Lekin dekho, skin aapki healthy honi chahiye, acne free honi chahiye, pores, aur I believe normal logo bhi acne hoti hai, mujhe bahut hoti hai. But yes, skin tone and all of that, we should take it aside. क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया है, और रियलिटी अगर इंटरनेशनली हम देख लें, देन आवर स्किन टोन इज लव्ड। अग्रीड, पर ये एक चीज़ होती है ना, इंसान उसी चीज़ से प्यार करता है जो चीज़ उसके पास नहीं होती, तो गोरे अपने आप को जलाने जाते हैं कि वो हमारी तरह हो जाए, और हम वापस जाते हैं जलाने अपने आप को, हमारी लिटरली स्किन जलाते हैं हम कि हम वो गोरे हो जाएँ। पर मैं तो नहीं, लेकिन लोग, हाँ, गोरे हो जाए, लेकिन वो गोरे तो नहीं होते, वो फिर
कुछ और ही लफ्ज है। yeah, true. हाँ really? अगर आप अपने अपने कंफर्ट में अपने कंफर्ट जोन में हैप्पी नहीं हो तो आप किस तरह जियोगे? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? अली तुम किस तरह जियोगे? मैं जैसा हूँ वैसे ही जीना चाहूंगा। नहीं अभी तुम जी रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तो अच्छे। तो क्यों नहीं अभी खुल रहे हो? हाँ सोच रहा हूँ खुल जाऊँ। सोच कर खुलता है ये? कितना सोचना पड़ता है खुलने से पहले? थोड़ा तो सोचना पड़ता है। मतलब शो खत्म हो जाएगा तब तुम घर जाओगे सोओगे फिर रात के वक्त सोचेगा और बोलेगा खुल गया मैं। जब शो भी खत्म होगा फिर ये अपना ही शो करेगा। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नो no. तुम कभी एक होता है कि इंसान बैठता है डे ड्रीम करता है हर इंसान करता है तुम करते होगे डे ड्रीम? नहीं मैं थोड़ा बहुत शाय टाइप का हूँ और चुप रहता हूँ। तो यार डे ड्रीम में शाइनेस क्या होता है? मतलब एज अ पर्सनैलिटी ये थोड़ी सी बहुत कंफ्यूज है। मुझे तो बहुत लग रहा है लाइक इतने से लग रहे बहुत कंफ्यूज। हाँ आपके ये जो जाग बने हुए हैं दिमाग में इसको कैसे हटाएं? बस आप बात करते हैं हम मैं ठीक हो जाऊंगा खुद ही। ओके जी सो यस दिमाग में जो इतनी ज्यादा मिट्टी है कोई झाड़ू किसी ने लगाया है? नहीं मिट्टी तो नहीं है। मिट्टी है ना मतलब समझ में नहीं आ रहा फॉग होकर दिमाग मुझे लग रहा है पहला वाइट बंदा है जिसको अपना सर बोझ लग रहा है वो सर पकड़ के बैठ गया है। बाल ऐसे बने हुए हैं ना क्या करें। तो बाल का वजन है? ओह माय गॉड इतना ज्यादा वजन। कोई बात नहीं आप बताओ कितना वजन है आपका? Literally, जो वजन है वो 45 kgs है। Wow, wow, that's very nice. और तुम लोग relationship जो तुम लोग की है, ठीक है, वो कैसे चल रही है? By relationship, what do you mean? Don't act smart. Just answer. ये है क्या है? Yeah, for us, it's like something that we haven't given a name. Okay. We are really close. We trust each other blindly. Okay. But giving it a name would mean trapping yourself in something that giving we don't want. Giving it a to. Name, it's a baby, na? हाँ. 9 महीने बाद बच्चा हो गया. या हाँ नहीं? नहीं. या वो वाली चीज़ें यार तू बैठ जाना जब तक कुछ पैतर चीज़ आएगी देख लेंगे अभी तू खाली जगह बैठ जा हम शादियों में जाते ना हम लोगों को बिठा देते मेरी सीट पर यूं करके बैठ जाना वो वाला सीन चल रहा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं? कोई सीन नहीं चल रहा तो ना हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं neither is it a relationship relationship or तो सुबह उठकर या बाद में we're sailing in the middle boat. Okay. खैर अभी बोल में आप लोग कौन सा शो कर रहे हो? गेम शो पाकिस्तान। गेम शो पाकिस्तान और कैसे जा रहे हो? It's pretty nice. Okay. कितना nice है? साहिर nice है? Show nice है? क्या? In general, the team behind the show, the people in the show, मतलब people think कि ज़्यादा नहीं है अच्छा मैं normal लोगों की बात कर रही हूँ लेकिन for us, I've been there since season one. Okay. The amount of respect I get over there, the care that they give for the contestants over there, I really do like it. And in a very, very decent way. Okay. How do they care? ये भी बता। How do they care that if I've often, since I'm pretty weak, I have a blood pressure issue, it goes low. Oh wow. So they have always. आपका blood pressure issue, इनके दिमाग में धुंध का issue. कैसे चलता होगा? Oh shit! Oh हाथ लग गया यार. Oh नहीं नहीं ये नहीं करो. वो नहीं करो मतलब डांस में ये होता है ना स्टेप आई फेंटेड सो मेनी टाइम्स इन डांस सो मेनी टाइम्स आई हैव लॉस्ट आई हैव लिटरली फेंटेड गिर जाती है यू हर जगह गिरती है नहीं इतना नहीं गिरती अल्लाह गिरती है लेकिन इतना नहीं बड़ी गिरी हुई लड़की है नहीं नहीं मजाक कर रही हूं खैर हाउ ओल्ड आर यू शी इज 21 राइट 22 एक साल का गैप जी नॉट बैड तो आई बिलीव पाकिस्तान में ये टैबू होता है बच्ची जब बोलती है या लड़का जब बोलता है मुझे डांस अच्छा लगता है या डांस करना है तो लोग ज़्यादातर बोलते हैं मरासी बनना चाहते हैं ये करना लाइक पॉजिटिवली नहीं लेते हैं खानदान वाले लोग तुम लोग के खानदान को तुमने कैसे समझाया और उस चीज़ से कैसे निकले हो या उस चीज़ में अभी भी अटके हुए हो जो भी बोलना है सच बोलना है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स लाइक प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस माय मॉम सो सपोर्टिव कि मुझे एक गैप ईयर लेना था फॉर माई एजुकेशन बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑल माई टैलेंट्स लाइक बी एट स्पोर्ट्स बी एट डांस लिटरली शी अलाउड इट शी सपोर्टेड मी थ्रू आउट इट आंटी के बारे में बाद में बात करेंगे जब आपने एक्सप्लोरिंग के बारे में बात की
तो क्या क्या एक्सप्लोर किया? That I'm a really good sports player. I played for Pakistan. Wow. Yeah. I played throwball. I was the captain of the throwball team. Ball के साथ. क्या एथलीट है मतलब यार दैट्स गुड. और क्या क्या खेलती हो? एंड और क्या क्या खेलती रही हूँ? और क्या क्या करती हो? I dance. Okay. And I'm a bathroom. I don't like singing or anything, but I used to sing in the choir in our church. Oh wow. So that's something I tried doing because I was scared. I was really nervous of doing that. And yeah, these certain. So washroom and. Washroom में गाती हूँ. अच्छी बात है. सुबह सुबह बड़ी सुरीली सुरीली आवाजें तुम्हें सुनेंगी. खुद ही सुनती है, खुद ही के लिए परफॉर्म करती है. खुद ही के लिए, लेकिन बाहर तो होते हैं ना वो, लोगों को लग रहा होता है वो खुद, बाहर पूरा घर बोल रहा होता है क्या हो गया इसको. खैर कुछ गा लो. नहीं नहीं, ये वाला आपको वॉशरूम में ही बंद समझो. ये वॉशरूम का ही है, ये वॉशरूम का ही है और ये वॉशरूम में ही रहेगा. क्यों? बिकॉज आई डोंट लाइक परफॉर्मिंग थिंग्स दैट आई एम नॉट रियली वेल वर्स्ड इन. हाँ. तो अपने आप पे मजाक उड़वाने से बेहतर है वो चीज़ ना करो. मजाक नहीं होता, कुछ मजाक नहीं होता यार. पर यार क्या मजाक होता है? सिर्फ गेस्ट मजाक होते हैं, इसके अलावा कोई मजाक नहीं. नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस शो इन जनरल. नो, बट आई एम सेइंग कम ऑन, लाइक थोड़ा सा कोई एक फेवरेट गाना गुनगुना लो. चलो गा, ये बहुत अच्छा गाती है वैसे. कुछ तो लाइक कुछ भी हल्का सा वन लाइन. ओके, जब बिलाल गा सकता है तो मैं बोलती हूँ कोई भी गा सकता है. ओके फाइन. हाँ. तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया. दिस इज वन लाइन. ओके, इसने घर ही बनाना था और कुछ नहीं. खैर तुमने सुन लिया? जी बिल्कुल. घर घर बना लो. हाँ, अपने खुद का. हाँ, अपना खुद के लिए. पर आप बताओ, आपने कैसे इन चीज़ों को फेस किया? अभी तो फैमिली माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करती है. okay. लेकिन शुरू में बहुत मसले हुए थे. जब डांसिंग वगैरह शुरू की थी तो मम्मी पापा नहीं जाने देते थे. okay. तो रात रात में उनके सोने का वेट करते थे, कोई इवेंट्स वगैरह में जाना है तो उनके सोने का वेट किया. जब वो सो गए तो दोस्तों को बाहर खड़े कर देते थे कि शूज़ वगैरह फेंके, फिर कपड़े फेंके, फिर खुद फला के जा रहे हैं. मुझे लगता है ये बहुत वो इंडियन ड्रामे देखते वो गोलियां पीस कर खिला देता होगा. कौन से मम्मी पापा सो जाते हैं 8-9 बजे? 8-9 बजे नहीं, 10-11 बजे तक. 10-11 बजे कौन सा मतलब इवेंट चल रहा होता है? बताओ ये कौन से इवेंट होता है ना? ये बड़ी अच्छी बात है. दीज टू आर ग्रेट डांसर्स एंड देयर आल्सो ऑन साहिर शो एंड देयर आल्सो ऑन टिकटॉक, है ना? टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स है? 2.5 लाख. क्यों? मेरी आईडी बैन हुई और अब वापस आई ना 500K. ओ वाओ, बैन होना बहुत जरूरी होता है कभी कभी वापस आने के लिए. क्यों बैन हुई? बेसिकली ऑल माय डांस वीडियोस वुड कीप गेटिंग बैन्ड ऑल द टाइम. आई डोंट रियली नो. हैं? क्यों भाई? दे लाइक फर्स्ट दे वर वन ऑफ इट वाज एक बात समझ में नहीं आती. टिकटॉक उनको बैन करता है जिनको बैन करना नहीं चाहिए और उनको छोड़ देता है जब मतलब बोलता है यार रियली मैंने इतनी बार देखा है, इतने सारे लोग फालतू तरीन वीडियोस बना रहे होते हैं लिटरली एंड दे गो ऑन मिलियन लाइक्स एंड स्टफ लाइक दैट. मैंने एक खातून देखी, वो बड़ी वायरल हो रही थी, किसी ने मुझे भेजी. उन्होंने माशाल्लाह वो शलवार कमीज फुल पहने हुए थे, वो एक पाइप लेकर है ना, वो अपने आप पर पानी यूं करके ना नाच रही थी. मैं ऐसे लग रहा था कोई भैंसा पागल हो गई. यही लग रहा था मतलब ऑनेस्टली. और वो चल रहा था, वो वायरल भी हो रहा था और वो काफी लाइक यू नो मतलब सीरियसली पीपल अपेरेंटली लव इट. वेल आई डोंट नो व्हाई टिकटॉक इज नॉट सीइंग व्हाट्स टू कीप एंड व्हाट्स नॉट टू कीप. यार ये बहुत ही एक तन लाइन है जो खराब ही होती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा. पर क्या, जब हम लाइन की बात करते हैं तो मैं आप पर लाइन नहीं मारूंगी, ये शायद इन पर मार लेगा. तुम कहाँ मारती हो लाइन? कहीं भी नहीं. कागज पर मार लो मेरी जान. मैं बड़ी अच्छी लाइन, ये वो सारी लाइनें काट देता हूँ. हाँ, ये कहीं भी लाइन मारती हूँ, मैं सारी लाइनें काट देता हूँ. क्या बात है, तुमने तो कैची रखी भी है.
कितनी बड़ी है आपकी जबान रखी हुई है कैची की जगह कितनी बड़ी है कैची लेकिन वो भी चल नहीं रही है पता नहीं क्यों इसका कुछ नहीं चल रहा मेरे को यही लग रहा है कुछ नहीं चल रहा वो कुछ लोग होते हैं ना जो कीबोर्ड पर बड़ा ठीक ठाक और फिर मैं ये और मैं ये और मैं ये फिर सामने आकर है ना उनकी बस मैं यही होती है यही होता है हमें बड़ी अच्छी खबर मिली है खबर ये है कि आपके दो छोटे छोटे बच्चे हैं एक बच्चा आप घर छोड़कर आई हैं और एक बच्चा लाई हैं अच्छा मुझे लगा मेरे कुत्तों की बात हो रही थी बिकॉज़ मैं उनको अपना बच्चा बोलती हूँ कौन सा कुत्ता भी लाई हो मुझे एक बात बताओ नहीं मैं यही सोची थी मतलब बच्चे तो मैं उनको ही बोलती हूँ तो आपके दो छोटे बच्चों में से एक बच्चा तो आप बोल ही नहीं रहा और उसके लिए आपने ऊट पटांग दूसरा बच्चा लगाई थी कि मैं बैठूंगी तो इसी के साथ ही बैठूंगी खड़ी होंगी तो इसी के साथ खड़ी होंगी और क्या क्या करूंगी तो इसी के साथ करूंगी कुछ हाँ सब करूंगी इसी के साथ करूंगी लेकिन अभी ये कुछ नहीं कर पा रहा मसला यही है क्यों नहीं कर रहे क्यों नहीं और मैं क्या करूं आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं तुम क्या कर सकते हो बताओ अपना छुपा हुआ टैलेंट तुम्हें वहां बता दे मेरा तुम इसको दिखाते हो अपने टैलेंट इसको सब पता है मेरा टैलेंट ओह वाओ हिडन टैलेंट ये कब हुआ हमें नहीं ये कब हुआ मुझे क्यों नहीं पता मेरा टैलेंट तो डांस है नाचते हो दोनों छांगों पर बहुत जोर से बहुत जोर से बहुत जोर से आता है डांस बहुत जोर से और क्या क्या आता है जोर से अभी तो फिलहाल यही आ रहा है अभी नहीं आ रहा ओके जी सर खैर कोई बात नहीं आपका स्टार साइन क्या है आई एम रियली रियली क्यूरियस व्हाट्स योर स्टार साइन सेजिटेरियस क्या सेजिटेरियस सेजिटेरियस तो आधे यार वैसे पूछ रहा है जिसे पैदा इसने किया है मैं कब आया था इसी टाइम पर बोलना है ना जी 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 वो नॉर्मली होता है जब आप कहीं जाते हो तो आंटी और ये सारे लोग होते हैं जो आंटी बोलती है चॉकलेट दो तो अम्मी को फौरन यू देखते हैं वरना अम्मी बोलती है हमेशा घर जाते हैं भूखों की तरह मुँह खोल कर हर चीज़ ले लेते हो अम्मी को देखते बोलते मैं ले लूँ इसी तरह इसने देखा कि मैं सेजिटेरियस ही हूँ ना पर खैर कोई बात नहीं वो तो बड़ा ठीक ठाक वाली साइन है मतलब आधा घोड़ा और आधा बंदा बड़ी मस्त साइन है यार इट्स रियली नाइस साइन ये घोड़ा तो गधा होकर नहीं आधा आधा घोड़ा आधा बंदर कह सकते हैं आप बंदर कहाँ से हो गया प्लीज बी बॉय तो आई लाइक मंकीज यू लाइक मंकीज ओके हाँ तो क्या क्या पसंद है बंदर में बंदर जैसा लटकाना 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 किस तरह लटकाते बताओ मुझे क्या पता मैं बंदरों को थोड़ी देखती हूँ यार मैं मतलब वो नर मादा वाले बंदर नहीं देखती रहती यार क्या करूं इतनी डिटेल में तो मैं भी नहीं जाता खैर कोई बात नहीं आपको बंदर पसंद है दैट्स रियली नाइस तो क्या लटकाना लटकना क्या पसंद है क्या क्या आपने बोला लटकाना तो क्या करते व्हाई डू यू लाइक बंदर्स मतलब मैं ब्रेक डांस करता हूँ तो इसलिए ओके तो मंकीज भी कुछ इस तरह की मूव्स करते हैं तो मैं उनको कैच करता हूँ कुछ यूनिक करने की कोशिश करता हूँ इसलिए कैच करते हो दे बंदर कैच कर लिया मतलब कैसे कैच होता है मतलब देख के उनको ऑब्जर्व करता हूँ मंकी सी मंकी कहाँ जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए यार ये बंदा है ना कराची वो जू में पड़ा हुआ होता है बंदरों वाले सेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा होता है अगर कोई बंदा मेरे चश्मों के साथ यूं करके यूं बंदरों को बस ताड़ रहा हो वो ऑब्जर्व कर रहा है जहाँ भी देख जाते हैं मुझे पसंद है बहुत कहाँ बंदर होते हैं मरी साइड पे बहुत होते हैं ऐसे ओके तुम बहुत दूर चले गए हम कराची में कराची में भी हैं तुम कराची में रहते हो कराची में भी जी हाँ तो कराची में कहाँ बंदर होते हैं जू में जू जाते हो कभी कभी और कहाँ कहाँ जाते हो कहीं नहीं और बस समंदर पर जाते हो आप थोड़े नहीं समंदर अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं वैसे आप बहुत डर लगता है समंदर से बहुत डर लगता है क्यों बहुत बहुत डूबना नहीं है ना गीले होने थोड़ी जाओ दूर से देखो हर चीज में लोग बोलते हैं ना हर चीज जो बड़ी प्यारी दिखे उसमें घुसने की जरूरत नहीं होती कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप घुसते हो तो चले ही जाते हो हाँ समंदर भी ऐसी चीज होती है इट्स वेरी डेंजरस हाँ
बचे जा रहे होते हैं, देर इज़ नो सिक्योरिटी, देर इज़ नथिंग लाइक दैट. हमें कभी कभी पता भी नहीं होता, हमें बोला जाता है तूफान आ रहा होता है. जिस दिन आवाम को पता चलती है ना तूफान, पूरा का पूरा सी व्यू ब्लॉक्ड, ऐसे यू वो तूफान. और पता नहीं क्यों भाई तूफान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, घर पर बैठो, थोड़े घर पर रिश्तेदार थोड़ी आ रहे कि तुम भाग कर चले गए. खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप हमें कुछ बंदर वाला दिखा सकते हैं, नाच मतलब परफॉर्मेंस. हाँ, आपको मैं स्टंट दिखा सकता हूँ. ओके वाओ, लेकिन स्पेस नहीं है. हाँ? स्पेस नहीं है ना यहाँ पे. कोई बात नहीं, जगह बना देते हैं. दिस इज पाकिस्तान, हटाओ टेबल. यार बताए कौन से गाने पर आपको करनी है? नहीं नहीं, वो सॉन्ग प्ले करनी करें आप, मैं वैसे एक स्टंट करके दिखा देता हूँ आपको. आप हवाई हवाई में कर दोगे, खामोशी में? मूड नहीं बनाना. मूड बना होता है मेरा. कौन सा डांस को लेके? डांस को बनावा मूड है, डांस को बिगड़ा मूड कौन सा होगा सानू नहीं पता. पर खैर हम अपनी तरफ से मर्द को एंड में रख दिया, तीन औरतों ने सही कहा घेरा. या बट व्हाई? इट्स समथिंग दैट आई वुड वांट टू गो पब्लिक विथ. आई डू नॉट हैव अ डैड, सो आई वाज सिंगल मदर एंड लिडिया इज माय नानीज नेम. ओके, सो दैट्स समथिंग रिलेटेड टू माय मॉम एंड सिंस माय मॉम हैज ब्रॉट मी अप ऑल दीस इयर्स, आई वांटेड टू यू नो मेक हर फील स्पेशल अबाउट इट इफ आई एम गेटिंग फेमस. सो सारा लिडिया. But this is really nice and there are many kids and there are many mothers out there. I'm a single mom myself and who are single moms. And I think ki bahut hi achhi baat hai. You should talk about it. So yes, tell us like how did you, ek hota hai that of course ek crisis aap apne mom ko dekhte ho, how she's working. To koi aisi cheez apne mama ke baare mein yaad ho, and a very personal question. Did your dad leave or pass away? Like he what? Left. He left. Okay. It's actually a really emotional topic as well. It's okay. You can talk. My mom just got operated a few days back because of kidney stones. Oh, okay. And I really do love her. I really want to say that I love her. She's literally given up her life. She could have married again. She didn't. Yes. She gave it up for me and my elder sister. Mm-hmm. It was really critical because we've seen this phase of having no money to going to having money and being stabilized. And I think today if I'm sitting here and I do have the little bit fame I do have, it's all because of my mom. Okay, that's very nice. Matlab, so agar tum ek cheez that you would want to tell your dad, what would that be? I wish he realized how to handle a marriage and that his actions didn't only have an effect on my mother but also on me and my sister, because I kept questioning myself the entire time, was I not that good or worthy enough to be loved by my own dad? Yeah, that's a really nice thing and I'm really happy that you are opening up. Aur is tarah ki jo topics hote hain na log baat nahi karte, पता नहीं उनको लगता है कि ये टॉपिक को अंधेरे में ही रहने दो. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अप दिस द न्यू थिंग वेयर योर एफआरसी कैन बी ऑन योर मदर्स नेम, यू डोंट नीड योर फादर्स डिटेल्स टू हैव द प्रॉपर एफआरसी. सो थैंक यू सो मच टू द गवर्नमेंट. एंड एक और बात मैं लोगों को बोलूँगी दैट
co-parenting बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी आपकी बेगम के साथ नहीं जमती कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि आपने अगर आपके बच्चे हैं और इतना टाइम अच्छा वक्त भी गुजारा होगा ना, तो उसके मुताबिक एटलीस्ट बच्चों के खातिर स्टार्ट डूइंग co-parenting वो बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में पता है क्या होता है, डिवोर्स हो गए, तलाक हो गए, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो छुरियाँ घोंप देंगे, वो वाला सीन। और अगर नहीं होता तो लोग इतना बोल बोल कर बना लेते हैं। तो आई बिलीव अगर आपकी शादी वर्कआउट नहीं हुई ना, तो एटलीस्ट दोस्ती तो वर्कआउट करो। वो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है, क्योंकि दोस्ती आई बिलीव होनी चाहिए। आप लोग जब लोग एक बिजनेस बनाते हैं तो पार्टनर्स रखते हैं ना, आपने तो एक जान बनाई है, एक ज़िंदगी बनाई है, बच्चे बनाए, और उस बच्चों के लिए आप इतनी सी दोस्ती रख सकते हो। यू नो वेरी प्रोफेशनल co-parenting इज़ हेल्थी फॉर द किड्स, प्लीज़। एंड आई ऑलवेज से स्टिकिंग इन अ बैड मैरिज इज़ अ बैड चॉइस, इज़ बेटर टू बी अलोन। एंड अगर बंदा co-parenting में भी हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो लाइक आई ऑलवेज से दैट अल्लाह हैज़ एवरीवन का एक रिस्क तय होता है। ऑफकोर्स आई थिंक हर इंसान एक बुरा वक्त देखता है, और वो बुरा वक्त आप अपने बचपन में देख लो, अपनी जवानी में देख लो, या अपने बुढ़ापे पर देख लो, काटना तो आपको है। और अच्छा वक्त भी हर इंसान देखता है। बट येस, बैक टू द शो, बैक टू हमारी हा हा ही हु हु। आप बताएं, योर वेरी नाइस बंदर डांस, यू नो, वेरी नाइस, थैंक यू। मैंने सोचा मैंने टर्की में नाक बनाया, जब ये नाचने लगा इसे आज वापस टूटेगा। पर यस, आप ये कैसे, क्योंकि मुझे इस पर याद आ गया मेरा बेटा। वो है ना, हर जगह लटकता है, चाहे वो सोफे पर कूद रहा होता है जमीन को लावा समझकर। तो ये बचपन से ही बचपन से मैं भी ऐसे ही था। ओके, बहुत मम्मी भी परेशान होती थी कि क्या कर रहे हो, कुछ लग जाएगा, टूट जाएगा। ओके, उस वक्त तो नहीं लगा, लेकिन बड़े हो के जब मैं प्रॉपरली ये सीखने लगा तब बहुत कुछ लगी है। बहुत कुछ लग गया? बहुत कुछ लगा है। कितना लगा? बहुत डैमेज हुआ था, यहाँ से भी कट लगा था, एक ब्लड बहुत आ रहा था, और यहाँ भी बहुत जगह, पूरी बॉडी में निशान निशान है। वैसे मुझे लग रहा है ब्लड इसके इतना भी बाहर निकलेगी करके गिर जाएगा, इतना कमजोर है। नहीं नहीं नहीं, कमजोर नहीं हो, नहीं ताकतवर। वो बात असल में ये है कि ये बन रहा है कमजोर नहीं, कमजोर बन रहा है। ही इज सो, ही हैज गॉट एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, ये इतना गुस्सा वाला आदमी है। हाँ, रियली, आई एम नॉट इवन जोकिंग, सच है। नॉर्मली इन जनरल इसको अगर छोटी सी भी बात इसके दिमाग पे लग गई तो मैं गुस्सा पी लेता हूँ। अच्छा, आप झूठ बोल रही हो, जो पीते हैं वो गुस्सा होता है जी, तो आप नहीं पिलाओ इतना ज्यादा गुस्सा। हाँ बिल्कुल, चलो खेलना अच्छा लगता है आपस में, तुम लोग खेलते हो बहुत आपस में, कॉम्पिटिशन होता है बहुत, की ये बोलती मैं जीत जाऊँ, मैं बोलता हूँ मैं जीत जाऊँ, कौन आएगा पहले, तुम खड़ी हो गए, चलो आ जाए। ओके, यू हैव टू एक्ट दिस आउट एंड बिल्कुल आराम से, नो लिप सिंग, बस एक्ट इट आउट, डन। क्या सॉन्ग? मुहावरा, मुहावरा, ये क्या है? ये मैं खुद घबरा गई, सिचुएशन है, बक बक बोलना, दस, हाँ, दो, सुनो बंदर के रिलेटेड है। अच्छा, हाँ, बंदर, दस बंदर, दस बंदर क्या कर रहे हैं? दस को पहले दस कर रही थी, दस ही है, नंबर दस ही है शुरुआत का, ठीक है। खाना, बंदर, बंदर खाना, बताओ, दस से ही है। बंदर बनाना, केला, बंदर केला, दस केले, क्या, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह, ओके आगे, फाइव फोर थ्री टू वन। ये कौन सी सिचुएशन? एक बात बताओ, केला क्या होता है, कैसे बताते हो केला?
मैंने कहा ये वाहिद केला है जो लुकमे में जा रहा है। नहीं, केले यूं होते हैं, केलों को छिलना पड़ता है। बंदर हमारे सुने में केले मिलते हैं क्या? पहले से छिला हुआ था। आपने बंदर आप लोग आपस में पहले से तुम छिल कर देते होंगे केला। नहीं नहीं, नहीं उसके हाथ में वो खुद छील लेती है। छीलते कैसे? ऐसे जैसे आपने बताया भी। इट्स वेरी सिंपल, ये होता है केला। बट ये क्या होता है? अरे यू सेड बंदर ना, तो फिर बंदर क्या खाता है? बंदर केले खाता है। बंदर केले ही खाता है, लेकिन लेकिन जिस तरीके से बता रहा हूँ मुहावरा वो था। ओके, मुहावरा है 10 के 12 केले कम पड़े तो और ले ले। ये कभी नहीं आना था। ये कभी यार मैंने ये मुहावरा नहीं लिखा, सब मेरे ऊपर देख। केले ना केले, बंदर खाता है ना केले। ठीक है अल्लाह, चलो दूसरे वाले पर। व्हाट अली, खुदा के वास्ते फिर वो जो जो भी आएगा ना उसको छील लेना पहले। ये भी नहीं आना, सारे मुश्किल आ रहे। ठीक है ठीक है, एक हाँ, पहला, तीसरा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ लफ्ज है। और जो पहला लफ्ज है, जो पहला लफ्ज है, जो पहला लफ्ज है, जो जो नहीं, जो आरी, जे जो नहीं, जो ना, जो ना आगे। ये तो बोल सकती है ना कि जोना सही है क्या? जोना, हाँ जोना तो मैं भी बोल रही, सही है जोना, सही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जोना सही है। तीसरा, जोना सही आ रही। चौथा, मैं तुम। टेन, काटना, नाइन, जोना सही, एट, काटना, सेवन, सही आरी काटना, क्या मतलब? फाइव फोर थ्री टू वन, जो ना काटे आरी से वो कटे बिहारी से। ये बहुत आसान है। एक दो तीन चार पाँच छ, छह लफ्ज, छह वर्ड। पहला वर्ड ना, ना, तीसरा वर्ड ना, तीन, ना तीन, ना तीन मैं, ना तीन मैं, ना, ना तीन मैं, ना तेरा, ना तीन में, ना तीन मैं, ना तेरा मैं। ठीक है, ऐसे करवाते हैं, ना तीन में, ना तेरा में। ओके, एक सेकेंड, मुझे गेस करना आता है, तुम्हें नहीं आता। कितने वर्ड्स हैं? आठ वर्ड्स हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक। तीसरा वर्ड मछली, हाँ ये तीसरा, एक जल की नहीं, एक, नहीं। एक, एक जी से आती है। दूसरा जी से क्या आता है? ये क्या हो रहा है भाई? गोबर। जानी गैस। नो, जब कोई चीज तुम्हें मेरी लग रही है तो इसको क्या बोलते हो? गंदा। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यस, थैंक यू, वाह वाह वाह। चलिए जी, आखिरी डब्बा कौन सा है? आखिरी नंबर वन, नंबर वन। चलो जी, चलो जी, चलो जी। उफ़ ला, चार वर्ड्स है। पहला वर्ड, तीन चार, छोड़ना छोड़ी। वो क्या गन्ने होता है या चन्ने होता है? कौन सा होता है, किसका खेत होता है? हाँ, चन्ने के खेत में। चूजा। के क्या कर रहे हो? इतना सारे उड़ लो। कबा। क्या कह रहे हो? यार इतना सा है और वो उड़ता है, देखो इतना सा है, कितना है? इतना है और उड़ता है। यार कसमे खुदा की उड़ता है। हाँ उड़ता है, उड़ता है, मान लो। इससे भी हर इंसान ने उसको उड़ते देखा है, हर बहुत सारे इतना से कित, वो छोटा सा मोटा सा होता है। नहीं नहीं, नहीं। छोटा सा और मोटा सा होता है। कुछ मोटे नहीं होते। कुछ गंजे होते, कुछ में बहुत सारे बाल, लाइक फेदर्स होते हैं। चूजा नहीं, मुर्गी। क्या करीबो
वो मुर्गी उड़ती है, पता नहीं मुर्गी उड़ती है, इसका पहला मुर्गी है जो पता नहीं कौन बोलता है ये मुर्गा है तुम्हें उड़ाएगा, ये किसने तुम्हें लफ्ज बोला है मुर्गी उड़ती है, निकनेम कर दिया किसी का, ये तो मेरा मुर्गा है उड़ता है। नहीं बताओ ना यार, छोटी सी मोटी सी और उड़ती है, छोटी सी फीमेल बोल तो दिया उन्होंने, तो छोटी सी और गाती भी है, कोयल नहीं छोटा सा गाती है, एक ही रिंगटोन उसकी, सी से नाम है, भूल गई नाम, नाम भूल गई क्या यार, 5 4 3 2 1 चिड़िया चुग गई खेत, सब परिंदे के नाम ले दिए, मैंने चिड़िया बोला था, तुमने कोई चिड़िया नहीं, तुमने मुर्गा बोला, चूजा बोला और फिर पिजन बोला, और मुझे लग रहा था चार बोलने वाले हैं, कब से उड़ने लग गया यार वो मुंह से निकल गया, मैं सोच रही थी इनका जाती गेम शुरू हो गया जिस तरीके से देख रही थी ऐसे, नहीं नहीं यार नहीं ना 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 छोरी नहीं 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 Red Bull gives you wings not that but anyways जी हाँ guys अभी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, stay tuned। जी हाँ जनाब, आज मैं बोल सकती हूँ बड़े, मेरी प्रोड्यूसर ने मेरी डेट खराब की, लारेब मैं आपके शो, लारेब ना जनाब ने आपके शो खराब किया, वो क्या हुआ यार, दोनों है ना, दोनों के नाम एक ही लड़की लड़की जैसे लगते हैं, दैट्स व्हाई आई गेट मिक्स्ड अप, वो ये हुआ कि वी वर अपेरेंटली बेस्ट फ्रेंड्स, ओके नाउ वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स एट ऑल, यार ये बेस्ट फ्रेंड्स ये होती हैं जो काट कर जाती हैं, आई मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि मुझे क्लोजर नहीं मिला, okay. मेरा ये है कि अगर किसी को जाना है जाओ, आपको जाना है आप जाओ, लेकिन एटलीस्ट एक क्लोजर दे के जाओ ताकि मुझे पता चले अगर मैंने कुछ गलत किया है, ये हिसाब है मतलब एक इंसान को लाइक आने वाले को रोकते नहीं, जाने वाले को ठोकते नहीं, ठोकते नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पर हुआ क्या था, I think it all happened after Lareb's birthday. Oh, okay. After Lareb's birthday, उनकी opinions कुछ अलग हो गई मेरे बारे में, मेरी opinions कुछ अलग हो गई, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो गई, and from my end, I used to think I used to do a lot like going and meeting and stuff, and from her end, she used to think the same. I think it was all the misunderstandings that bottled down to us just staying away. Okay. तो क्या हुआ, मतलब क्या लड़के ने आकर खुश कर दी क्या क्या, मुझे एक सुनने में आया कि उन्होंने मेरे बारे में काफी लोगों से जो मेरे करीब थे, जिनके मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनसे मेरी बुराइयां की, ओके एंड जिसकी वजह से दोस पीपल स्टार्टेड हेटिंग ऑन मी, क्योंकि अगर आप एक इंसान, एक बात समझ में नहीं आई, कौन सी बुराई से, व्हाई विल पीपल हेट यू, No, they, apparently they चोरी करती है, क्या क्या करती है तो? Apparently ये बंदा सुनकर ये टारगेट किलर है, मैंने बोले मैं नहीं चाह रही इसको ब्लॉक कर दो, क्या क्या सीन है, ऐसी बुराई कि मैंने ये जरनाब है, चलो जरनाब बनो, देवी जरनाब बनो, बाल यू करो, नहीं यार चले, तो अगर मैं जरनाब को कुछ बता रही हूँ तो उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों के बारे में बुराइयां की, ओके सो इन अ वे बात इधर की उधर, which was very distorted. I don't even know if half of it is true. Okay. मुझे नहीं पता कि उनका क्या साइड था कि उनका क्या साइड है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बाद में एक पॉइंट ऐसे आया कि everyone was against me. Okay. Her as well and them as well. So it really left me. तुम्हारा पूरा एक स्क्वाड था. हाँ. वो says, ना? Says. Yeah. जिसे हानिया का भी स्क्वाड काफी बिखरा हुआ है. अभी फिलहाल तो है. बड़ी एक बड़ी सैड स्टेटस लग रही है, बड़ा दुखी होता है जब दोस्तों में वो क्या आ जाता है, कुछ आ जाता है बीच में, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्या है मुझे नहीं पता, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि यार इसने मेरा ये किस मेरे साथ ये किया, अब मैं गॉसिप करूँगी इसके बारे में, आई एम जस्ट गोना से जहाँ भी जाओ आप खुश रहो, लेकिन कभी किसी और दोस्त के साथ ऐसा नहीं करो क्योंकि इट लीव्स अस इन अ डिप्रेसिव स्टेट, ओके तो दैट्स माय ओनली मैसेज फॉर हर, अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, okay. तो वो जब सिंगल थी तो सही थी, फिर डबल हुई फिर इश्यूज हो गए, उसको चिड़िया मिल गई और वो उड़ने लगी, वो वाला सीन हुआ,
दो मतलब लारे वॉज माई फ्रेंड बिफोर जरनाब एक्चुअली माई नेबर लोग बोलते हैं लेकिन लारे के अंदर है पप्पू कुटनी वाली नहीं नहीं नेवर डन दैट विद मी तो मैं क्यों झूठ बोलूं जरनाब इज बीइंग द पप्पू I think maybe उनके भी दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने जाहिर नहीं की है इस पॉइंट पर और उसकी वजह से उनको मुझसे बात नहीं करनी तो that's their call. एक बात है ना मैंने ये देखा है लोग आगे बढ़ने के लिए चीज़ें काटते हैं and I think वो उनको गेम शो चाहिए था और I believe उनको गेम शो मिल गया तो काट दिया तुम्हारा शुक्र है ये नहीं काट दिया अगर अगर इस बात में कहीं भी सच्चाई है तो आई थिंक मैं ये बोलूंगी कि अच्छी बात है क्योंकि मैं जहां भी हूं मैं सही हूं आपने किया है मेरे साथ बुरा तो आप सच्चाई क्या हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना हम तो ये हम सच्चाई तो मुझे खुद ही नहीं पता आवाम है जो बोल रही है सारा लिडिया टॉरिस थॉमसन बताएं थॉमसन राइट थॉमस सॉरी द थिंग इज के व्हेन वी स्टॉप्ड टॉकिंग हमें कुछ नहीं पता था ऑल वी डिड इज एक लड़ाई हुई थी हमारी ऑन टेक्स्ट उसके बाद से शी वेंट हर वे आई वेंट माई वे वरना वी यूज टू कम एंड सॉर्ट इट आउट उसके बाद से चीज़ें खुलती गई इधर से उधर से पता लगता रहा अब कितनी सच्चाई है बातों में मैं कैसे किसी चीज़ पे पिन पॉइंट करके बोल दूँ कि हाँ यही सच है कभी कभी हाँ यू राइट जब चीज़ बहुत ही मेली हो जाती है ना बेस्ट ये होता है एग्जिट क्योंकि आप उस मेल को सफाई करने में बंदा भूल जाता है वो खुद भी मेला हो रहा होता है जब कोई गंदगी पड़ी भी हो ना और रिलेशनशिप में बहुत गंदगी हो जाए चाहे वो जो भी रिलेशनशिप हो एग्जिट इज द बेस्ट ऑप्शन ओके चले हम एक सवाल पूछेंगे और तुम्हें तुम लोग को एक दूसरे पर उंगलियां उठानी है उंगली उठा सकोगे सिर्फ उंगली उठानी है ठीक है कैसे उठती है उंगली बकरी उंगली यू नहीं उठानी यूं उठानी मतलब पॉइंट आउट करना है बिल्कुल हाँ द मोस्ट एम्बैरेसिंग पर्सन कौन सबसे ज्यादा एक दूसरे को एम्बैरेस करता है ओके कौन सबसे ज्यादा एक दूसरे को फेवर्स और पैसे देता है ओके कौन पैसे लेता है और फेवर्स लेता है फुकरे नहीं नहीं अब ओके स्मार्टफोन में कौन सबसे ज्यादा गुस्सा हुआ होता है ओके फूडी कौन है सबसे ज्यादा मी ओके ये भी अपने अंदाज में फूडी है झूठ सबसे ज्यादा कौन बोलता है उछलता सबसे ज्यादा कौन है कहाँ उछलते हो एक दूसरे पर उंगलियां कर रहे उछलते कहाँ कहाँ देख लिया अभी आपने हाँ ये तो उछलता है और नाराज सबसे ज्यादा कौन रहता है ब्लॉक कौन करता है अपने लिए तुम सक लौंडा नहीं हो अभी नहीं बना सक लौंडा बट खैर दैट वाज रियली नाइस एंड ओके जी अपने आप को शाउट आउट दो अपना अकाउंट नंबर देना चाह रही हो अपना घर का एड्रेस टेलीफोन नंबर एनएससी नंबर कुछ भी देना चाह रही हो दे सकती हो ओके आई विल द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव इज टू माय फैंस थैंक यू यू गाइस आर लव एंड यू गाइस आर अमेजिंग Thank you for everything. और बाकी I really have nothing to say. So let him say the rest. I said a lot in the show. Instagram handle nothing? Sara Lydia underscore. Okay. तुम? खुश रहने दें और देखते रहें मतीरा जी का शो अपने आप को देना आपको शूट आउट दे रहा हूं मेरे को शूट आउट नहीं देना अपने आप को तो फिर देखते रहें अली शेख को और अली शेख को सपोर्ट करते रहें अली शेख जी क्या तुम खुले हो ये पूरे शो में ये मुझे बोले जा रहा था कि मैं अभी खुलूंगा थोड़ी देर बाद खुलूंगा मैं नर्वस हूँ मुझे बस खुलने के लिए मैं इतना ही खुलता हूँ इतना ही खुलता है इससे ज्यादा नहीं चले थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर हैविंग अस वी ऑल हैड अ गुड एंड अ हेल्थी गपशप वंस अगेन COVID is hitting us. मेरे डायरेक्टर को ये मैसेज बहुत ही पसंद आता है वो मुझे बोलते हैं मतीरा always remind the awam about COVID.
So the new variant's out and we should all get vaccinated. So please vaccinations lagaye, laga lo vaccinations. Masks पहनो, महफिलें जो बड़ी बड़ी हैं अगर चल रही है कोई बात नहीं, अपनी तरफ से हैंड्स को सैनिटाइज रखो, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. अगर नॉर्मल नज़रा ज़ुकाम बुखार भी है तो अपने आप को टेस्ट करो और नॉर्मल नज़रा बुखार में भी एटलीस्ट घर पर बैठो, घूमने की कोई ज़रूरत नहीं. थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबको, अल्लाह हाफिज़. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.